श्री रामकृष्ण वचनामृत मानव सर्व शास्त्रों का सार है, सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, सभी शास्त्रों को समझने का। अत्यंत सरल भाषा में अत्यंत गूढ़ बातों को श्री रामकृष्ण देव ने इस प्रकार से कहा है कि जिससे सभी एक साधारण मनुष्य भी समझ जाए। और सबसे बड़ी विशेषता रामकृष्ण वचनामृत पुस्तक की यह है कि हम जब पुस्तक पढ़ते हैं लगता है मानो श्री रामकृष्ण देव हमसे बातचीत कर रहे हैं। यह मानो समय का जो व्यवधान है 1883 में 21 जुलाई को श्री रामकृष्ण देव कलकत्ता की राह पर जा रहे हैं। 46 से परिचय की चर्चा कर रहे थे हम लोग। यह सब पढ़ते समय ऐसा लगता है कि मानो हम भी उसी समय उसी काल में पहुंच गए हैं। ऐसे सुंदर इस प्रकार का सुंदर वर्णन इस पुस्तक में हमें मिलता है। समय का व्यवधान मानो पूर्ण हो जाता है और श्री रामकृष्ण देव मानो हमारे साथ बातें कर रहे हैं ऐसा लगता है। शनिवार 21 जुलाई 1883 को श्री रामकृष्ण देव शाम को 4 बजे रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर से जा रहे हैं कलकत्ता की ओर। उसी समय मास्टर महाशय आ जाते हैं और फिर दोनों उनको कहते हैं तुम भी साथ में चलो। रास्ते में बहुत बातचीत होती है और फिर वे आते हैं वहाँ पर शोभा बाजार में और वहाँ पर भी बातें हुई। चौराहे पर गिर माता के निकट पहुंची श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कभी कभी देखता हूँ कि वर्षा में जिस प्रकार पृथ्वी जल से ओतप्रोत रहती है उसी प्रकार चैतन्य से जगत ओतप्रोत है। इन सब की भी हमने चर्चा कर ली और फिर श्री रामकृष्ण देव ने जब पूछा मेरे साथ क्या दोस्तों का कुछ मिलता है, किसी पंडित या साधु का कुछ मिलता है, तो मणि कहते हैं आपको ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है और दूसरों को मशीन में डालकर बनाया है। श्री रामकृष्ण खूब हंसते हैं, उनकी हंसी रुकती ही नहीं है और कहते रामलाल अरे रामलाल देख तो ये क्या कहता है। अंत में उन्होंने कहा शपथ खाता हूँ मुझे तनिक भी अवज्ञान नहीं होता। इतने सरल श्री रामकृष्ण देव, हंसी रुकती नहीं है। अरे बोले मास्टर महाशय ने कहा आपको तो ईश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, बाकी सब मशीन में डाल के बनाया। ये सुनकर के श्री रामकृष्ण देव उनकी हंसी रुकती नहीं है। कहने का मतलब श्री रामकृष्ण देव इसलिए प्रसन्न होते हैं कि मास्टर महाशय जान गए कि ये विशेष प्रकार के मनुष्य हैं, मनुष्य नहीं है, ईश्वर के साक्षात अवतार है। यह बात मानो जब उनको पता लग गई तो श्री रामकृष्ण देव प्रसन्न होते हैं और फिर बदर के मकान के पास पहुंचने वाली गाड़ी तभी श्री रामकृष्ण मणि से कहते हैं सत्य में रहना। मणि मैंने मास्टर महाशय सत्य में रहना तभी ईश्वर मिलेंगे। इस पर हमने विस्तृत चर्चा की कि एक ही बात में श्री रामकृष्ण ने कितनी बड़ी बातें कह दी। सत्य में रहना तभी ईश्वर मिलेंगे, बहुत बड़ी बात। श्री रामकृष्ण ने अन्य बात कहा कि इस कलयुग में सत्य ही कलयुग की तपस्या है, बाकी सब समय तो बहुत बड़ी बड़ी तपस्या होती थी, अभी और कोई तपस्या करने की बात नहीं है। केवल सत्य का पालन यदि कर सको तो वही सबसे बड़ी तपस्या है, पर वह सबसे कठिन तपस्या है। जितनी कठिन तपस्या थी पूर्व कालों में एक पैर पे खड़े होकर के हजारों साल बिना खाए पिए ऋषि मुनि लोग रहते थे ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उतना ही आज के समय में सत्य बोल करके रहना तपस्या है। क्योंकि जो सत्य बोलते हैं उनको बहुत नुकसान होता है, ऐसा सांसारिक संसार में हम देखते हैं प्रारंभ में। बाद में अलग बात है कि बाद में तो जब असत्य जो है वो बाहर आ जाता है और सत्य जो है प्रकट हो जाता है और असत्य की बातें सबको मालूम हो जाती है, पर वो बाद की बात है। प्रारंभ में जो लोग सत्य को पकड़ करके रहते हैं उन्हें संसार में बहुत कुछ खोना पड़ता है, उसके बदले कुछ मिलता है क्या? जो सत्य का पालन करेंगे उनको नुकसान ही नुकसान है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि नुकसान ही नुकसान है प्रारंभ में, पर कर्म का सिद्धांत कहता है सत्यमेव जयते नान्यूनम, अंत में सत्य का विजय होगा। पर ये बात अलग है, उसमें समय लगता है। एक ये है बात कि जो सत्य का पालन करते हैं उनको संसार की दृष्टि से भी अवश्य अच्छे फल मिलेंगे। शायद हो सकता है कि समय कुछ लग जाए, पर मिलता है चक्रवर्ती ब्याज के साथ, साधारण ब्याज के साथ नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। पर वो धैर्य हम लोगों में नहीं है, वो पैशन वो धैर्य हम लोगों में नहीं है
और इसलिए हम लोग कहते कि नहीं 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 वो चार ओर जो दिख रहा है वो तो उल्टा दिख रहा है कि नहीं नहीं ये तो मानो असत्य का पालन हो रहा है। असत्य के पालन से ही फायदा होता है, सत्य के पालन से फायदा नहीं होता। पर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं सत्य रहना तभी ईश्वर मिलेंगे। और इसलिए गांधी जी ने तो यहाँ पे कहा ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ नहीं, ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर। और इसीलिए सत्य को पाना ईश्वर को पाने के बराबर है। ईश्वर को पाना मैंने सब कुछ पा लिया, उसके बाद कुछ पाने को नहीं रह जाता। अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, यदि हम ये बात एक बार यदि मान ले, उदाहरण के लिए हालांकि वो सत्य नहीं है, उदाहरण के लिए हम ये मान ले कि जो लोग सत्य का पालन करते हैं उनको संसार में बहुत नुकसान होता है, बहुत दुख सहन करना पड़ता है, इस बात को भी हम मान ले तो यह जो हमको संसार में दुख दुख झेलना पड़ा 100 साल के लिए, अधिक से अधिक हमारी जीवन, हमारे जीवन है 100 साल के लिए, 100 साल के लिए हमको परंतु अनंत जीवन हमें मिलता है उसके बदले में, अनंत सुख मिलता है उसके बदले में, अनंत ज्ञान मिलता है उसके बदले में, अनंत आनंद मिलता है उसके बदले में, क्योंकि वो सत्य का यही रूप है। तो हमने हमको यह सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सत्य का पालन करना पड़ेगा, बहुत कठिन है। आज के जमाने में इसलिए ज्यादा कठिन है कि पहले के जमाने में जो सत्य का पालन करते थे उनको लोग, उनकी लोग प्रशंसा करते थे कि देखो भाई दूसरा कुछ भी होकर सत्य का पालन करते हैं, इसलिए ये वंदनीय सम्मानीय। और अब यदि कोई सत्य का पालन करता है तो लोग उसे कहते हैं इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक नहीं, कुछ ज्ञान नहीं है, बेवकूफ है। आज के जमाने में सब चलता है क्या? जैसे सब लोग चलते हैं करना पड़ता, व्यवहार में रहना चाहिए, व्यवहार की बात को समझना चाहिए ना। तो ये व्यवहार की बात नहीं समझता है, व्यवहार यही कहता है कि पहले तो फिर बाद में ले लेन देन, ये व्यवहार की बात है। तो श्री रामकृष्ण बोलते हैं तो फायदा क्या होगा, सत्य में रहना तभी ईश्वर मिलेंगे, तभी ईश्वर मिलेंगे मतलब तभी ईश्वर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। सत्य का पालन नहीं करने से ईश्वर नहीं मिलेंगे, चाहे जो कुछ भी कर ले। क्यों? कलयुग की तपस्या ही ईश्वर, कलयुग की तपस्या ही सत्य का पालन। इसलिए ये जो पतंजलि योग सूत्र में बताया है कि हमें यदि समाधि की अवस्था प्राप्त करनी है तो अष्टांग योग की बात बताई, वो अष्टांग जब तक हमें समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हम उस परम शांति को प्राप्त नहीं कर लेते। पर वो अष्ट नियम आसन प्रत्याहार, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, परंतु वो प्रथम सोपान यम है और यम का प्रथम सोपान है सत्य। सत्य अत्यय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये जो नींव है, नींव जब तक नहीं डालेंगे तब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 8 मंजिले की बिल्डिंग बनेगी नहीं। और हम लोग सीधे 8 मंजिले में जाना चाहते समाधि में, ध्यान में नहीं, हम डायरेक्टली आपके बदले चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि हमको फाउंडेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, फाउंडेशन है यम और नियम, उसकी हमको कोई परवाह नहीं है, यम और नियम तो हम कर नहीं पाएंगे, वो हम इस जमाने के लिए नहीं है, सत्य का पालन इस जमाने के लिए नहीं है। सीधा हम 8वें मंजिल में छलांग लगाना चाहते हैं, समाधि चाहते हैं, वो भी इंस्टेंट समाधि, जल्दी से उसी तुरंत चाहते हैं। और इसीलिए जितने चारों ओर हम देख रहे हैं एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने सारे जो एक्सीडेंट होते हैं, क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं इतने सारे? आध्यात्मिक जगत में जो हम देखते हैं, कितने प्रकार से हम लोग सुनते हैं तुम क्या स्टिंग ऑपरेशन हो रहा, क्या क्यों? कारण ये है कि वो लोग सीधे समाधि की अवस्था में चले गए, सबको समाधि देना भी शुरू कर दिया। ऐसा मान लिया कि हमको समाधि हो गई है, हम दूसरे को देने की तारी आ गई, सीधा वो छलांग लगाया। यम और नियम का कोई ठिकाना नहीं है, सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अहिंसा, ये जब तक फाउंडेशन तैयार नहीं हुई अच्छी तरह से, उसके पहले ही छलांग लगाना शुरू किया समाधि देना और समाधि लेना एकदम से बिना किसी फाउंडेशन के। यदि नींव कच्ची रही तो जैसा होता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अभी पेपर में देखा होगा,
कितनी बड़ी बिल्डिंग थी, पत्ते के महल के समान सब गिरी हुई है। एक छोटा सा भूकंप आया, क्यों? नींव कच्ची है। नींव यदि पक्की रहती तो नहीं कुछ होता, पर नींव कच्ची होगी तो नींव, यह नींव है सत्य। इसलिए श्री रामकृष्ण, सत्य में रहना तभी ईश्वर में रहेंगे। यदि ईश्वर चाहिए सत्य का पालन करना पड़ेगा, भले कुछ समय कहते लगता होगा इससे हमारा नुकसान होगा, संसार में दुख मिलेगा, संसार में हमको कुछ नुकसान होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो लोग असत्य बोलेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे ऐसा लगता है, पर कुछ समय के लिए, ये हमारा भ्रम है। पर यदि ये बात सच हो कि सत्य बोलने से हमें नुकसान होता हो संसार में, तो भी हमें सत्य बोलना चाहिए। क्यों? यहाँ श्री राम ने ऐसा नहीं कहा सत्य में रहना तभी ईश्वर मिलेगा, ऐसा नहीं कहते सत्य में रहना तभी धन मिलेगा, सत्य में रहना तभी प्रॉपर्टी मिलेगी, सत्य में रहना तभी संसार का सुख मिलेगा। नहीं, ईश्वर की प्राप्ति चाहिए तब सत्य में रहो। पर अभी मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम यही कहती है कि वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट आ रहा है, और जो वैल्यूज को लेंगे, मूल्य निष्ठ जो मैनेजमेंट करेंगे, वही कंपनियां अभी बची है, बाकी सब खत्म होगी, बाजार में से खत्म होगी, चली गई, उनका वॉश आउट हो गया। जिन्होंने मूल्यों को पकड़ के रखा था, वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट जिन्होंने रखा था, जिन्होंने सत्य के साथ जिसने बांध छोड़ नोई की नहीं की, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वही कंपनियां भी बची हुई, बाकी सब साफ हो गई। ये जो रिसर्च आया उसमें उस समय के लिए बहुत मजा किया, उस समय के लिए बहुत मजा किया, पर वो नहीं हो सकता। तो यहाँ तक कि संसार के सुख में यदि हमको ईश्वर नहीं भी चाहिए तो भी सत्य का पालन करना चाहिए, यदि हमको सफलता चाहिए तो, और यदि आध्यात्मिक जगत में सफलता चाहिए तब तो सत्य का पालन करना पड़ेगा। पर हाँ, है तो बड़ा कठिन, बहुत ही कठिन है, क्योंकि बचपन से ही हमारा कुछ माइंड ऐसा कंडीशनिंग हुआ है कि हम इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, इतना गंभीरता पूर्वक नहीं लेते हैं। हाँ, झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं, कभी कभी तो झूठ बोलना पड़ता है, और वो कभी कभी अधिक हो जाता है। पहले तो एक्सेप्शन, बट व्हेन एक्सेप्शन बिकम्स रूल, कब एक्सेप्शन रूल बन जाएगा कुछ ठीक नहीं। आज हमने 10 बार कॉम्प्रोमाइज किया, कल 20 बार कॉम्प्रोमाइज किया, परसों 30 बार झूठ बोले, क्या करे, बोले आज के संसार में रहने से तो ये सब करना पड़ता है। ऐसा करते करते झूठ बोलने की आदत हो जाती है, तब ऐसा होता है कि जो झूठ बोले बिना चैन नहीं होता है, जबरदस्ती नहीं भी जगह तो भी झूठ बोलते हैं। अब उसमें कुछ फायदा होने वाला है तो झूठ बोलने में मजा आता है, अब झूठ बोलने की आदत ही हो गई, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते लोग। फोन में बोल रहे हैं कि नहीं मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ वो सामने ही है, बोले नहीं, क्या करोगे? मैंने वो अब इतना स्वाभाविक हो गया है झूठ बोलना। अभी वो लोग सर्वे किए थे तो बोले कि अधिकांश लोग झूठ बोलने में माहिर हैं, अधिकांश लोग आज तक झूठ बोलने में माहिर हो गए। अब उनको ये भी नहीं लगता कि झूठ बोलना अच्छा है और बुरा है, ये भी वो नहीं लगता, तो ऐसी स्थिति आ गई, तो इज अ पार्ट ऑफ द गेम, झूठ तो बोलना ही पड़ता है। परंतु झूठ बोलने में हरकत क्या है, हरकत क्या है? पहली बात तो ईश्वर नहीं मिलेगी। आज हमको ईश्वर नहीं चाहिए, ईश्वर हमें नहीं चाहिए तो हम झूठ बोले कि नहीं, तो भी ना बोले। क्यों? एक बार दिन झूठ बोलते हैं तो 10 बार उस झूठ को छुपाने के लिए दूसरी बार 10 बार झूठ बोलना पड़ता है। क्यों? वो झूठ हमने बोला, अब उसको उसका तुरंत तपास करता है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, तो 10 बार और झूठ बोलना पड़ेगा, उसका कोई उसकी कोई सीमा। और दूसरा नंबर एक सिद्धांत नंबर एक, एक बार दिन ने झूठ बोला तो उस झूठ को छुपाने के लिए हमें कम से कम 10 बार झूठ बोलना पड़ेगा। दूसरा, कभी न कभी वो झूठ पकड़ा जाएगा, ये नियम है। इवन जो लोग डिटेक्टिव हैं, डिटेक्टिव लोग भी बोलते हैं कि जब भी कोई मनुष्य कोई खून करता है या कोई भी खराब काम करता है तो कोई ना कोई सुराग छोड़ के जाता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो कुछ ना कुछ गलती होना ही है उससे,
कुछ न कुछ उसका इंपैक्ट हो जाएगा, उसी को पकड़ के सीआईडी ऑफिसर उसको पकड़ लेते हैं, पुलिस पकड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं वो ऐसा प्रूफ रख करके जाता है कि उसने वो गुनाह किया है। इतना भी इंटेलिजेंट चोर हो, इसलिए नियम है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी बात रख जाएगा जिससे वो पकड़ा जाएगा और उसी से लोग पकड़ते हैं। एक आध पॉइंट ऐसा निकलेगा जहां उसने गलती कर दी, सब कुछ उसने ठीक कर दिया परंतु एक छोटी सी बात भूल गया, उसी से पकड़ा जाता है। कितने जितने चोर पकड़ा गए, कभी न कभी पकड़ा जाता है। तो झूठ बोलने में अर्थ ये है कि कभी न कभी पकड़ा जाता है, पकड़ा जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होती है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सब निकल जाता है। दूसरा, एक झूठ को छुपाने के लिए 10 बार झूठ बोलना पड़ता है। तीसरी बात है, जो झूठ बोलता है, झूठ बोलने से सबसे पहली बात जो होती है उसकी मन की शांति चली जाती है, मन में उसका टेंशन लेता है शायद पकड़ा गया तो, शायद पकड़ा गया तो। हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटे बच्चे बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना क्यों बोल, झूठ ही बोलना चाहिए, ठीक है नहीं बोलना चाहिए, चलो सत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए ना, ठीक है। तो नुकसान क्या है, तो कोई नुकसान नहीं है, तुम एक काम करो, आप झूठ बोलो, झूठ बोलते देखो ना क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करो क्या हुआ। एक बार झूठ बोल दिया कि नहीं मैं सिनेमा देखने नहीं गया, जब मैं तो बोल दिया सिनेमा देखा, सिनेमा देख के आ गया, बोला मैं सिनेमा देखने नहीं गया, तो पूछा तो कहा गया था, झूठ बोलना पड़ा, तो अपने मित्र के यहाँ गया था, कौन से मित्र के गया था, वो मित्र के गया था, अरे वो मित्र तो मुंबई गया, अभी पकड़ा गया, तो फिर कहा गया था, तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, 10 बार वो झूठ बोलेगा, फिर 11वें झूठ में पकड़ा जाएगा। अच्छा बोला था, तो क्या लग रहा था, झूठ बोल, झूठ तो बोल दिया कि मैं सिनेमा देखने नहीं गया था, उसके बाद कैसा लग रहा था, उसके बाद मुझे डर लग रहा था, कहीं पूछ लेगी मम्मी तो कहा गया था, पकड़ लेगी तो कहीं और से पकड़ा गया था, डर लग रहा था ना, मन में शांति थी कि अशांति, अशांति थी। तो फायदा क्या हुआ झूठ बोलने से, बोलो, यदि सच बोल देता कि मैं सिनेमा देखने गया था तो क्या होता, डांट देती मम्मी, क्यों सिनेमा देखने गया था, या परीक्षा इस करके डांट देती, एक बार डांट खा लेता, बोलता हाँ मम्मी अभी नहीं जाऊंगा, तो हो जाता 5 मिनट के लिए तुमको सवाल करना पड़ता एक डांट, अभी कितनी डांट हुई टोटल मिला करके, और कितने घंटे तक अशांति रही, और बाद में आखिर पकड़ा गया, उसके बाद क्या हालत हुई। अब दूसरी बार जब तू बोलेगा कि माँ मम्मी मैं सिनेमा देखने नहीं गया, तो मम्मी मानेगी, अब नहीं मानेगी, क्यों, पता लग गया झूठ बोलने वाला है, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी भी गए, तुम्हारी जो प्रेस्टीज थी वो भी पंचर, तुम्हारी जो क्रेडिबिलिटी थी वो भी गई, अब सबको पता लग गया तो झूठ बोलने वाला है, तो तुम्हारी क्या फायदा क्या हुआ। और जब तक झूठ बोलते रहे, जब तक पकड़ा नहीं गया, तब तक डर लगता रहा, यदि पकड़ा जाएंगे तो मन में अशांति रहेगी, और मन में वीडियो फिल्म चली रही है, वहां तो सब पूरा शूटिंग हो जाता है, अपने आप कैमरे में आ जाता है, वो कॉन्शियस राइट करता है, चाहे कोई पकड़े न पकड़े, भीतर में हमारा दिल कहता है यार तूने ठीक नहीं, थोड़े ठीक ही किया, फिर दिल कहता नहीं है ये तूने ठीक नहीं किया, अरे छोड़ ये तो आज तक सब लोग करते झूठ बोलते मैंने क्या किया, फिर मन कहेगा नहीं नहीं पर आज तो मम्मी से तो कब से झूठ तो नहीं बोलना था, अरे मम्मी से झूठ बोलने में क्या होगा, जब सबसे झूठ बोल नहीं बाकी सबसे करो कम से कम मम्मी से बहुत छुपा, मन कहता रहेगा तू बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ये मन के साथ लड़ाई होती रहती है, मन ने कहां से अशांति आएगी। तो इस प्रकार से ये झूठ बोलने में नुकसान ही नुकसान है, यदि हमको ईश्वर नहीं भी प्राप्त करनी चाहिए तो भी सत्य को पालन करना पर है बहुत डिफिकल्ट, और आज के जमाने में बहुत ही कठिन है, परंतु धीरे धीरे पूरा सारा अभी पूरा एटमॉस्फेयर बदल रहा है, वातावरण, अभी तक सब लोग समझते थे जो जितना अधिक दूसरों का उल्लू बना सकेगा उतना वो आगे बढ़ जाएगा संसार में, बीच में ऐसी स्थिति थी सब लोग देखते थे कौन किसको कितना उल्लू बना सकता है, कौन कितना झूठ बोल सकता है, कौन किसको कितना अधिक चालाकी से दूसरे को धोखा दे सकता है, उतना वो आगे बढ़ जाएगा। अब फिर से ये समय आ गया कि नहीं भाई, अब सभी लोग बुद्धिमान बन रहे हैं, और इसलिए सभी बुद्धिमान जब बन गए तो पकड़ लेते हैं,
दूसरी बार वो धोखा नहीं खाते हैं और आपका बिजनेस हमेशा के लिए गया, तब आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। और विश्वास नहीं किया जहाँ चली गई, एक तो खुद को ऐसा नहीं लगता है, यदि आप मुझे मेरे में ही मैं अपने बारे में सोचूं कि मैंने ऐसा झूठ बोला तो अपने नजर में तो मैं गिर गया, दूसरों की नजर में भी गिर गया, फिर कोई हमको विश्वास नहीं करेगा। उसके बाद में दूसरी बार हम झूठ भी नहीं भी बोलते हैं तो लोग यही सोचेंगे झूठ बोलता है, तीन बार बोला अरे बाघ आया बाघ आया भालू आया भालू आया भालू आया झूठ बोला, ऐसे सब गांव वालों को मजा करने के लिए, गांव वालों को सब बेचारे गांव वाले एकदम दौड़ दौड़ के आए, लड़का तो अपना मजा कर रहा है और अंगूठा दिखा रहा है कैसा मजा किया कैसा मजा किया। फिर कुछ दिनों बाद भालू आया भालू आया भालू आया, फिर बेचारे लोग सब दौड़ के आए, लड़का चिल्ला रहा है भालू आया है, नकली लेकर के आए सब कहा है भालू, बोले तो मजा कर रहा था। और तीसरी बार से कोई भालू आया, अब वो बोल रहे भालू आया कोई नहीं है, भालू आके खा गया, क्यों विश्वसनीयता चली गई, ये लड़का तो झूठी बोलता है, नुकसान किस को हुआ, झूठ बोलने वालों को नुकसान। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं सत्य में रहना कभी ईश्वर मिलेंगे, इसीलिए मुंडो को परिषद ने कहा सत्यमेव जयते नाम, इसीलिए हमारे देश में इस मंत्र को राष्ट्र मंत्र कहा गया, हमारे देश में सत्यमेव जयते लिखा रहता, आपने देखा होगा सब जगह हर एक नोट में लिखा रहता है और उसी नोट के द्वारा असत्य का सब पालन होता है, ये विडंबना है कि सत्यमेव जयते लिखा है उसी से यहाँ तक कि सत्यम जैसी कंपनी भी असत्य करती, फिर दूसरी असत्य कंपनी तो कितना कर देगी पता नहीं, सत्यम भी असत्य करता है और सत्यमेव जयते की नोट के द्वारा असत्य चलता है सत्यम वाली कंपनी के द्वारा, ये विडंबना है। परंतु अंत में सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की जय होती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं सत्य में रहना तभी ईश्वर मिलेंगे। मुनि कहते एक बात और बात अपने नवदीप गोस्वामी से कही थी, हे ईश्वर मैं तुम्हें तो चाहता हूँ देखना, अपनी भुवन मोहिनी माया का ईश्वर में मुझे मुग्ध न करना, मैं तुम्हें तो चाहता हूँ। श्री राम कहते हाँ ये दिल से कहना होगा, केवल मुंह से कहने से नहीं चलेगा, दिल से कहना होगा कि मैं तुमको चाहता हूँ। पर ये दिल से कैसे कहेंगे, दिल से तो नहीं चाहते, दिल से चाहती नहीं तो दिल से कैसे कहेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं वो कह सकते हैं नान्या श्रीवार रूपते हृदय अस्मदीय सत्यं वदामि च भवान चिलांतरात्मा, मैं सत्य कहता हूँ हे रामचंद्र जी मैं सत्य कहता हूँ, नान्या श्रीवार रघुपते हृदय अस्मदीय सत्यम वदामि, मैं सत्य बोल रहा हूँ सत बोल रहा हूँ, क्या सत्यम वदामि जो भगवान अखिल अंतरात्मा, तुम तो अंतरात्मा हो तुम तो मालूम है मैं सत्य बोल रहा हूँ, क्या कि मैं हे प्रभु सचमुच में सत्यम वदामि भगवान अखिल अंतरात्मा नान्या श्रीहा, मुझे कोई दूसरी इच्छा नहीं, सच बता रहा हूँ और आप सब आप जानते हैं सच बता रहा हूँ, मुझे दूसरी कोई इच्छा नहीं, नान्या श्रीहा रघुपते हृदय अस्मदीय मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। तुलसीदास जी का मन कैसा होगा, हम लोग कैसा नहीं बोल सकते, हमारे हृदय में तो हजारों हजारों इच्छाएं, एक नहीं हजारों। अभी यदि एक्सरे तो कोई मशीन अभी आया नहीं है, यदि एक्सरे मशीन कोई आ जाए कि हमारे मन का एक्सरे ले ले तो बाबा रे बाबा इतने सारी इच्छाएं हमारे मन में अभी एक साथ उठ रही है। और दूसरी तरफ कहते हैं नान्या श्रीहा हृदय अस्मदीय सत्यं वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, पंखा कर दीजिए ना तो मच्छर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पंखा कर दीजिए सर पंखा चला दीजिए। तो नान्या श्रीहा मुझे कोई और कामना नहीं है, तो क्या कामना है, एक ही कामना है, क्या भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम, मुझे भक्ति दीजिए आपके चरणों में। हम लोग एकादशी राम नाम संकीर्तन करते उसमें ये श्लोक आता है
भक्ति प्रयत्न रघु पुंगव निर्भरा, मुझे भक्ति दीजिए। कैसी भक्ति? निर्भरा भक्ति, साधारण भक्ति नहीं। निर्भरा भक्ति मतलब पूर्ण शरणागति वाली भक्ति। भक्ति प्रयत्न रघु पुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम गुरु मानसम च, और काम आदि दोषों से मेरे मन को मुक्त कर दीजिए। काम आदि दोष रहितम गुरु मानसम च। तो इसी प्रकार से श्री रामकृष्ण कहते हैं, हे ईश्वर मैं तुम्ही को चाहता हूँ, देखना अपनी भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य से मुझे मुग्ध न करना, मैं तुम्ही को चाहता हूँ। श्री रामकृष्ण कहते हाँ, पर ये दिल से कहना होगा, केवल मुंह से कहने से नहीं चलेगा। यदि दिल से कहते हैं तो हमें ईश्वर मिल जाएंगे। दिल से अभी नहीं आती, क्यों? अभी तक हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। इसीलिए श्री रामकृष्ण ने कहा हो गए, अभी समय नहीं आया, काले होगा। क्यों? समय नहीं आया, अभी हमारे मन में वो इच्छा नहीं आई। ठीक है, इतना तो आया, हम आज यहाँ इतनी देर तक तो पहुंचे, वो भी करोड़ों करोड़ों जन्मों की समस्या से यहाँ तक तो पहुंच गए, ये भी बहुत बड़ी बात। और ये तो अंतिम सीढ़ी है। एक बार यदि ऐसी इच्छा हो गई कि हमें सचमुच में ईश्वर की और कुछ नहीं चाहिए, तो बस पहुंच गए, मंदिर तक पहुंचे, फिर और कुछ बाकी नहीं है। क्यों? श्री राम कहते हैं कि जहाँ व्याकुलता आई तो समझ जाओ उषा काल आ गया, उसके बाद सूर्योदय होने वाला है, उसके बाद सूर्योदय होने वाला है। तो ये तो बहुत ऊंची बात है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। अरे भाई, ये तो श्री रामकृष्ण जो बात कर रहे हैं, श्री रामकृष्ण किससे बात कर रहे हैं आप समझिए। श्री रामकृष्ण साक्षात अवतार, साक्षात अवतार जब आते हैं तो उनके साथ वाले भक्त किस कोटि के होंगे, एक। और दूसरा, उनके संपर्क में आने पर उनके वाइब्रेशन की असर क्या होती होगी, इसलिए उनका मन कितना उन्नत हो जाता होगा। आज उनका फोटो देख करके हमारा मन इतना उन्नत हो जाता है, उनकी किताब पढ़ के उन्नत हो जाता है, तो उनके साक्षात संपर्क में आने से उन लोगों का मन कितना उन्नत होता होगा। इसलिए उस समय के लोगों के लिए श्री रामकृष्ण जो कहते हैं, वो ऐसी स्थिति यदि हमारी नहीं आ रही है अभी, तो हमें निराश या हताश नहीं होना चाहिए, परंतु हम ठीक रास्ते पर हैं। पर ये जान के रखने से क्या होगा, हमारा मन कम से कम लालायित तो होगा कि नहीं, हमें एक स्थिति ऐसी होनी है कि जब हम दिल से कह सकेंगे हाँ ईश्वर मुझे तुम्हारे से और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर मुझे, ऐसी स्थिति प्राप्त करने की इच्छा तो होगी, भले अभी हमारी इच्छा नहीं है ईश्वर को पाने की, पर ईश्वर को पाने की इच्छा तो हो, ऐसी इच्छा तो है। ये भी बहुत बड़ी बात, ये भी एक बहुत बड़ी बात, तो फिर धीरे धीरे आएगा। उसके लिए वो चटपटा है चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु कभी अभी जिनका जन्म था, और दिन रात भगवान का नाम लेते थे और कीर्तन करते थे, खोल बजाते थे, हरि बोल, हरि नाम केवल, और ऐसा कीर्तन करते थे सब मस्त होकर के, उनका प्रभु ईश्वर स्वयं चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करके आए, वो जब नृत्य कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो क्या मस्ती होगी, कितना आनंद होगा। और उनकी ओर भक्ति के कारण सब भावावेश में आ जाते थे, भावावेश में आकर के उनकी आंखों से आंसू निकलते थे, सभी लोगों के आंखों से। अब एक भक्त था, उसने देखा सभी भावावेश में रो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और उसको भाव निवेश नहीं हो रहा है, उसके आंख में आंसू नहीं आ रहे हैं। उसको बड़ा बुरा लगा, अरे देखो इन लोगों के आंख में आंसू आ रहे हैं भावावेश के कारण, और मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तब उसने क्या किया, आंसू नहीं आ रहे करेगा क्या, आंसू नहीं आ रहा। तब उसने मिर्ची का पाउडर लिया और मिर्ची का पाउडर आंख में डाला, उसके कारण वो आंख में आंसू बहने लगे। और जब चैतन्य महाप्रभु को यह पता लगा तो उन्होंने उसको गले से लगा लिया, तू सच्चा भक्त है,
वो इतना सच्चा भक्त है कि तुझे भाव नहीं हुआ, उससे तुझे इतना दुख हुआ कि भेसी का पाउडर डाल दिया तो तेरी भक्ति सच्ची, ये लोग की नकली है, ये लोग तो ऐसा आंसू निकाल दिया, तो तुझे तो भक्त का पाउडर डाल करके आंसू निकाला, तेरी भक्ति सच्ची। तो कहने का मतलब हमारे में इतनी भक्ति नहीं कि हमें आंसू है, पर कम से कम हमको भक्ति नहीं है इसका दुख है उसके लिए आंसू आते हैं तो भी चल जाएंगे। भक्ति नहीं है हमारे, हम अभी ये प्रार्थना दिल से नहीं कर पा रहे हैं, इसका भी हमें दुख हो जाए तो भी चल जाए, तो ऐसी स्थिति आएगी कि सचमुच में हमारे दिल में से ऐसी प्रार्थना होगी कि हमें ईश्वर अपना और कुछ नहीं, और एक बार भी ऐसी प्रार्थना हो गई तो बस फिर हम मंजिल पे पहुंच गए। श्री रामकृष्ण अदर के मकान पर आए हैं, बैठक खाने में रामलाल मास्टर अदर तथा कुछ और भक्त आपके पास बैठे हुए हैं। मूल के दो चार लोग श्री रामकृष्ण को देखने आए हैं। राखाल के पिता कलकत्ते में रहते हैं, राखाल नहीं है। श्री रामकृष्ण अदर के प्रति, क्यों राखाल को खबर नहीं दी? अदर जी, उन्हें खबर दी है। राखाल के लिए श्री रामकृष्ण को व्यग्र देखकर अदर ने राखाल को लेवा लाने के लिए एक आदमी के साथ अपनी गाड़ी भिजवा दी। अदर श्री रामकृष्ण के पास आ बैठे। आपके दर्शन के लिए अदर आज व्याकुल हो रहे थे, आज आपके यहाँ आने के बारे में पहले से कुछ निश्चित नहीं था, ईश्वर की इच्छा से ही आप आ पहुंचे। प्लान विजिट नहीं थी उनकी, पहले से श्री रामकृष्ण को उन्होंने निमंत्रण भी नहीं दिया था और श्री रामकृष्ण ने भी योजना नहीं बनाई थी जाएंगे, अचानक पहुंच गए। परंतु इधर पहुंचने के बाद पता पड़ा कि अदर रो रहे, अदर के मन में बहुत इच्छा थी कि वो आए, ऐसा कभी कभी होता है, इसको टेलीफोन भी कहो या कुछ भी कहो, हम जिसके बारे में सोचते हैं उसी का फोन आ जाता है, हम जिसके बारे में सोचते हैं वो ही हमारे बारे में सोचता है, हम जिसको सोचते थे कि आज मिलना हो जाए उसे मिलना हो जाता है, ये मानो ये एक मानसिक इस प्रकार का बस संबंध हो जाता है। अगर कहते थे बहुत दिन हुए आप नहीं आए, बहुत दिन हुए आप नहीं आए थे, मैंने आज आपको पुकारा था, यहाँ तक कि आंखों से आंसू भी गिरे थे। श्री राम कृष्ण प्रसन्न होकर अर्थ हुए, क्या कहते हो? श्री राम प्रसन्न होते हैं, कहने का मतलब अदर उनके लिए रो रहे हैं, यह हमारे एक बहुत अच्छा एक बहुत अच्छी निशानी, क्यों अदर रो रहे हैं उनके लिए, उनको मिलने के लिए। श्री राम कृष्ण तो रोते ही रहते हैं भक्तों के लिए, श्री राम कृष्ण तो इतने रोते थे भक्तों के लिए कि भक्त नहीं आए, हे भक्त कहाँ हो कहाँ हो, तुम लोग आओ। वहाँ पर जो कुठी बाड़ी है, कुठी बाड़ी मैंने जहाँ पर श्री रामकृष्ण के कमरे के सामने दक्षिणेश्वर में, वो जो जिस मकान में मथुनाथ विश्वास और ये सब दामाद निराली रात्रि के दामाद वगैरह आकर रहा करते थे, कुठी बाड़ी उस जिस मकान में रहा करते थे, उस मकान की छत पर चले जाते थे, संध्या जब होती थी छत पर चले जाते थे और कहते थे वो भक्त लोगों कलकत्ता की ओर देख करके, तुम लोग कहाँ हो, कलकत्ता के भक्तों कहाँ हो, आओ आओ, तुमको बिना देखे मेरा मन व्याकुल हो रहा है, बहुत रोते थे, आओ आओ आओ, ये भक्त तुम लोग आओ। श्री राम कृष्ण भक्तों को देखने के लिए रो रहे हैं, तब अभी तो अदर उनके लिए रो रहे हैं, पर पहले भक्तों को लिए राम कृष्ण रोए थे। इसीलिए अबू याजिद ने कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ गलतियां की, पहली गलती तो ये थी कि मैं सोचता था मैं भगवान को प्यार करना, बाद में पता चला मैंने भगवान को प्यार किया उसके बहुत पहले भगवान ने मुझे प्यार किया, मैं सोचता था कि मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ, बाद में पता चला मैं क्या भगवान ढूंढ रहा हूँ, भगवान मुझे ढूंढ रहे थे, ये कुछ गलत फहमियां मेरी बोले दूर हो गए। अबू याजिद बोलते हैं सूफी संत, तो श्री राम कृष्ण जो पुकार पुकार के रोते थे भक्त तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता और एक एक करके बाद में होता है, तो ये अदर अब रो रहे हैं, श्री राम कृष्ण खुश है, चलो मैं रोया तुम भी रो, मैं तुम्हारे लिए बहुत रोया अब तुम मेरे लिए रो रहे हो, इसका मतलब अभी तुम्हारा हमारा प्रेम ठीक हो गया, एकदम प्रेम पक्का हो गया, दोनों तरफ से रोना होना चाहिए, एक लड़का केवल रो रहा है लड़की को देखने का, लड़की कुछ नहीं हो रहा है, तो एक तरफ का प्रेम हुआ उसमें मरेंगे दोनों, तो दोनों का जो प्रेम होगा दोनों एक दूसरे को देखने के लिए लड़ाई होंगे रोएंगे तब तक सच्चा प्रेम है। यहाँ से राम कहकर मैंने तुम्हारे बहुत रोया अब तुम मेरे लिए रो, अजय ने कहा मैं बहुत रोया था, बहुत खुश होते श्री राम कृष्ण, वाह अभी पक्का प्रेम हो गया। श्री राम कृष्ण प्रसन्न होकर हंसते हुए कहते क्या कहते हो? शाम हुई, बैठे खाने में बत्ती जलाई गई, श्री राम कृष्ण ने हाथ जोड़कर जगत जननी को प्रणाम कर मणि मन शायद मूल मंत्र का जाप किया,
और मधुर स्वर से नाम उच्चारण कर रहे हैं, गोविंद गोविंद सच्चिदानंद हरि बोल हरि बोल। आप इतना मधुर नाम उच्चारण कर रहे हैं कि मानो मधु बरस रहा है, भक्तगण निर्वाह होकर उस नाम सुधाता पान कर रहे हैं। पता नहीं क्या पान कर रहे हैं, इतना मधुर नाम ले रहे हैं। तो जो उस समय थे उन लोगों को पता है, उसकी अनुभूति तो हम लोग को नहीं है, पर कुछ बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, उनके पास से जब हम नाम सुनते हैं तो थोड़ा सा आभास होता है कितना मधुर होगा श्री रामकृष्ण का, ये तो हम कल्पना नहीं कर सकते। पर कुछ लोगों के पास नाम, उनके मुंह से जब नाम सुनते हैं, वही नाम, वही राधा वही कृष्ण वही ईश्वर का नाम हम भी लेते हैं, तो वो लोग जब लेते हैं तब इतना मधुर लगता है, इतना मधुर लगता है। और ये तो श्री रामकृष्ण स्वयं ईश्वर जब मधुर भगवान खुद का नाम ले रहे हैं वो तो कितना मधुर होता होगा, वो कल्पना की है। मानो मधु बरस रहा है, मधु माने शहद, शहद जितना मीठा होता है उतना मीठा वो भगवान का नाम, भक्तगण निर्वाह होकर उस नाम सुधा का पान कर रहे हैं। रामलाल गाना गा रहे हैं भावार्थ, हे माँ हर मोहिनी तूने संसार को भुलावे में डाल रखा है, मूलाधार महाकमल में तू वीणा वादन करती हुई चित्त विरोधन करती है, महामंत्र का अवलंबन कर तू शरीर की यंत्र के सुषुम्ना आदि तीन तारों में तीन गुणों के अनुसार तीन ग्रामों में संचरण करती है, मूलाधार चक्र में तू भैरव राज के रूप में अवस्थित है, स्वाधिष्ठान चक्र के षडदल कमल में तू श्री राग तथा मणिपुर चक्र में मल्हार राग है, तू वसंत राग के रूप में हृदय अनाथ चक्र में प्रकाशित होती है, तू विशुद्ध चक्र में हिंडोल तथा आज्ञा चक्र में कर्णार्थक राग है, तान मान लय सुर के सहित तू मंद्र मंद मध्य तार इन तीन सत्वों का भेदन करती है। हे माया माया तूने मोहकाश के द्वारा सबको अनायास बांध दिया है, तत्वाकाश में तू मानव स्थिर सौदामिनी की तरह विराजमान है। नंद कुमार कहता है कि तेरे तत्व का निश्चय नहीं किया जा सकता, तीन गुणों के द्वारा तूने जीव की दृष्टि को आच्छादित कर रखा है। तो ये बंगला गीत जब तक नहीं सुनेंगे तब तक उसका आनंद नहीं आएगा। बंगला में ओरिजिनल बंगला गीत है, भुवन भुलाई लो माँ हर मोहिनी मूलाधारे महोत् पाले बिना बाद्य विनोदिनी शरीर शारीर जंत्रे सुजंत्रादि संत्रे गुण भेद महामंत्रे गुण त्रय विभागिनी आधारे भैरवाकार षडगले क्षीराकार मणिपुरे ते मल्हार वसंते हृत प्रकाशिनी विशुद्ध हिल्लोल सुरे कर्णाटक आज्ञापुरे तान लय मान सुरे तीन ग्राम संचारिणी महामाया मोह पाशे मध्व करो अनाजाशे तत्व लय तत्वाकाशे क्षीर आशे सौदामिनी श्री नंद कुमार होय तत्व ना निश्चय होय तब तत्व गुण त्रय काकी मुख आच्छादिनी। रामकृष्ण कथामृत के जो गीत के ऊपर से छह कैसेट मिलती है, छह सीडी भी है कैसेट की, उसमें शायद यह पांचवे भाग में यह गीत आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छी तरह गाया गया है। तो यह मानो उच्च भावना से युक्त गीत रामलाल ने फिर गाया, हे भवानी मैंने तुम्हारा भैरव नाम सुना है इसीलिए तब मैंने तुम पर अपना भार सौंप दिया है, अब तुम मुझे तारो या न तारो, माँ तुम ब्रह्मांड जननी हो ब्रह्मांड व्यापिनी हो तुम काली हो या राधिका ये कौन जाने, हे जननी तुम घट घट में विराजमान हो मूलाधार चक्र के चतुर्दल कमल में तुम कुल कुंडलिनी के रूप में विद्यमान हो, तू ही सुषुम्ना मास से ऊपर उठती हुई स्वाधिष्ठान चक्र के षडदल तथा मणिपुर चक्र के दशदल कमल में पहुँचती हो, हे कमल कामिनी तुम पूर्वोत्तर कमलों में निवास करती हो, हृदय स्थित अनाहत चक्र के द्वादश दल कमल को अपने पास रखने के द्वारा प्रस्तुतित कर तुम हृदय के अज्ञान जीवी का विनाश करती हो, इसके ऊपर कंठास्थित विशुद्ध चक्र में धूम्र वर्ण षोडश दल कमल है, इस कमल के मध्य भाग में जो आकाश है वह यदि अवरुद्ध हो जाए तो सर्वत्र आकाश ही रह जाता है, इसके ऊपर ललाट में अवस्थित आज्ञा चक्र के द्विदल कमल में पहुँच कर मन आबद्ध हो जाता है, वह कहीं रहकर मजा देखना चाहता है और ऊपर उठना नहीं चाहता,
इसके ऊपर मस्तक में सहस्रार चक्र है, वह अत्यंत मनोहर सहस्र दल कमल है जिसमें परम शिव स्वयं विराजमान है। हे शिवानी, तुम वही शिव के निकट जा विराजो। हे माँ, तुम आजा शक्ति हो। योगी तथा मुनि और तुम्हारा नगेंद्र नंदिनी उमा के रूप में ध्यान करते हैं। तुम शिव की शक्ति हो, तुम मेरी वासनाओं का हरण करो ताकि मुझे फिर इस भवसागर में पतित न होना पड़े। माँ, तुम ही पंच तत्व हो, फिर तुम तत्व का भी हो, तुम्हें कौन जान सकता है। हे माँ, संसार में भक्तों के हेतु तुम साकार बनी हो, परंतु पंचेंद्रियां पंच तत्व में विलीन हो जाने पर तुम्हारे निराकार स्वरूप का ही अनुभव होता है। बहुत सुंदर ये भी भजन। भवदारा भयहरा नाम सुनेशी तुमार, काइते वा केशी भार, तारो तारो ना तारो माँ, तुम्ही माँ ब्रह्मांड भारी ब्रह्मांड व्यापी, के जाने तुमार तुम्ही काली की राजी के। घटे घटे तुम्ही घटे आखो गो जननी, मूलाधारे कमल खाके माँ फूल कुंडलिनी, चतुर्भुज आचे मागो नामे स्वाधिष्ठान, चतुर्दल पते तथा याचे अधिष्ठान, चतुर्दले फापो तुम्ही फूल कुंडलिनी, षडदल वज्रासने बसो माँ अपनी। तरुद्रेते नाभिस्तान माँ मुनिपुर कोय, नील वर्णे दशदल पद्म से तथाय, सुषुम्ना पद्मी एषो गो जननी, कमल कमल था कमले कमले थाके कमले कामिनी। चतुर्देते आचे मागो सुरस सुधा सरोवर, रक्त वर्णे द्वादशदल पद्म मनोवर, पाद पद्मे दिए जदि एई पद्म प्रकाश, माँ हृदय आचे विभावरी तिमिर विनाश। तदुदे आशे बागो नाम कंठस्थल, दूत वर्णेर पद आशे होए षोडश दल, सेई पद मते आशे अम्बुजे आकाश, से आकाश दूत बजे सकली आकाश। तदुदे ललाद स्थान मा आशे मृगल पद, सदय आशे मन होइते आबद्ध, मन जे माने ना आवार मन भालो नहीं, निदले बसिया रंग देखे सदाय। तदुर्दे मस्तके स्थाने मा अति मनोबर, सहस्रदल पद्मे आचे ताहार भीतर, तथाय परम शिव आचेन आपनी, सेई शिवेर काछे बसे शिवे मा आपनी। तुमि आदर शक्ति मा जितेंद्रिय नारी, योगिंद्र मुनिंद्र तागे भावे नगेंद्र कुमारी, होय शक्ति सुदनेर एवार, जेनोना आशित है मा भव पारावार। তুমি আজ্ঞা শক্তি মাগো তুমি পঞ্চতত্ত্ব, কে জানে তোমার তোমারে তুমি তুমি তত্ত্বাবিত, ও মা ভক্ত জন্যে চরাচরে তুমি যে সাকার, পঞ্চে পঞ্চ লয়ে বলে তুমি নিরাকার। বহুতই অত্যন্ত ভাববাহী এই গীত, ইসের ভিতর বহুত বড় গুণ ভাব হে। যাহা তক কি ও জো शक्ति जिस प्रकार से जागरूक होकर के विभिन्न पदों से होकर के सहस्रजाल तक पहुंचती है, उसमें प्रत्येक जगह पर जो है ये विभिन्न प्रकार के कमल के फूल हैं, उस कमल को छुपी हुई अंत में सहस्रजाल में मस्तक के पास जो सहसा वहां जाकर के शिवानी शिव जी के साथ मिलती है, तब जाकर के मानो वो परम पद मिल जाता है, वो परमानंद मिल जाता है। स्वामी विवेकानंद के पास पूछा गया कि ये जो पद जो आप बोल रहे हैं कि ये चक्र है मणिपुर चक्र, ये सब चक्र के ऊपर में सभी जगह पर यहाँ बीच दो दल वाला पद्म है, कमल का फूल है, वहाँ सहसा में सप्त दल वाला कमल का फूल है, ये सभी जगह अष्ट दल वाला कमल का फूल है, सभी जगह अलग अलग प्रकार के फूल की बात कही, कमल के फूल की बात कही। ये सचमुच में ऐसे कमल के फूल है क्या, और सचमुच में ऐसे सेंटर है मणिपुर, ये सब मूलाधार मणिपुर, ये अनाहत चक्र, ये सब क्या चक्र है, सचमुच क्या ऐसे चक्र है क्या। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा नहीं, एनाटॉमिकली यदि आप इसको काटोगे, यदि इसको छेद करेंगे तो ऐसा कोई मिलेगा नहीं, एनाटॉमिकली नहीं, बायोलॉजिकली उसमें कुछ नहीं मिलेगा। और हाँ, ये साइकिक चक्र, ये मानसिक चक्र, और ये योगियों में बाद में प्रस्फुटित होते हैं, और ऐसा भी कहते ही वो पद मानो बंद रहते हैं, और जब उन्हें शक्ति मिलती है वहां के तब वो पद खुल जाते हैं, और तब जाकर के मनुष्य का विकास होता है। सचमुच में मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है इन सब जो चक्र है उनमें, जो चक्रों में अवस्थित जो कमल के फूल है उनको प्रस्फुटित करना,
जैसे प्रस्फुटित हो गए तब वो मनुष्य का चरित्र प्रस्फुटित होता है, और जब सहस्रार में वो कमल का फूल खिल गया बस तब उस समय आनंद सुख अनंत ज्ञान आनंद मिलता है, जिसके लिए हम पृथ्वी पर आए हैं, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, जो हमारे सतपुत्र में जीवन का उद्देश्य है, इसी के लिए हम आए हैं। इस सहस्रार में हमारे उस शिवानी का शिव जी के साथ कुल कुंडलिनी हमारी जो शिवानी है उसका सहस्रार में जाकर के वो विलीन हो जाएगी और वह होगा। ये हमारे जीवन का उद्देश्य अंतिम उद्देश्य, और ये जितने जितनी मात्रा में हम कुल कुंडली ऊपर जाती जाएगी और ये प्रस्फुटित हो गई उतनी मात्रा में हमारा चरित्र का विकास होगा। तो हम लोग देखते हैं कितने लोग मनुष्य में सभी प्रकार के बाहर से तो वही दिखते हैं, फिजिकली तो कोई प्रॉब्लम कोई इसमें अक्सर हम लोग देखते नहीं है। कोई महापुरुष होंगे, कोई महासंत होंगे, कोई अत्यंत इवॉल्व पर्सन होंगे, एनलाइटेड पर्सन होंगे, उनमें बाकी मनुष्य में भेद क्या है? इनके भी दो हाथ, उनके भी दो हाथ, इनके भी दो पैर, इनके भी दो पैर, इनकी भी दो आंखें, उनकी भी दो आंखें, इनकी भी दो कान, सबको बात सेम लग रहा है बाहर से, परंतु भीतर में इनके जो पद है वो प्रस्फुटित हो गए, और तब उनका जो कैरेक्टर, उनका जो चरित्र का विकास वो हमें नजर आता है। तब हमें जब उनके संपर्क में आते हैं, बाहर से तो भले दिखते हैं पर उनकी वाणी अलग हो जाती है, उनका वर्तन अलग हो जाता है, उनका सब कुछ बदल जाता है, और उसके कारण जो उस आवृत में आते हैं उनका भी चरित्र बदल जाता है, इतना अधिक उनका वह पद प्रस्फुटित हो जाता है, और यही जीवन का यही सचमुच में टोटल ह्यूमन डेवलपमेंट है। बाकी जो डेवलपमेंट करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह वो पर्सनल डेवलपमेंट है, और कुछ नहीं, वो थोड़ा सा हेयर स्टाइल बदल दो, कुछ ड्रेस बदल दो, कुछ ये बदल दो, कुछ ब्यूटी क्लिनिक में चले जाओ, ये सब ये तो ये पर्सनल डेवलपमेंट, या कुछ किसी प्रकार से स्पीच देना और किस प्रकार से दूसरे पर इम्प्रेशन डालना, ये सब पर्सनल डेवलपमेंट अपनी नहीं है। असली पर्सनल डेवलपमेंट ये है पूरा पर्सनलिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जहाँ पूरे चरित्र का विकास हो जाता है, जहाँ भीतर से पूरी की पूरी चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पैराडाइम शिफ्ट हो जाती है। यह मानो इस जीवन का उद्देश्य। रामलाल जिस समय गा रहे थे इसके ऊपर कंठक के विशुद्ध चक्र में धूम्र वर्ण सुरस्थल कमल है, इस कमल के मध्य भाग में जो आकाश है वह यदि अवरुद्ध हो जाए तो सर्वत्र आकाश ही रह जाता है। उस समय श्री रामकृष्ण मास्टर से कहा, यह सुनो मास्टर, मास्टर बोल रहे हैं श्री रामकृष्ण, जब ये गाना सुना जा रहा है जिस गाने में क्या आता है, बीच में एक लाइन आई थी, इसके ऊपर कंठ से विशुद्ध चक्र में, कंठ से विशुद्ध चक्र में धूम्र वर्ण छोटा सा कमल है, इस कमल के मध्य भाग में जो आकाश है वह यदि अवरुद्ध हो जाए तो सर्वत्र आकाश ही रह जाता है। उस समय श्री रामकृष्ण मास्टर से कहा, ये सुनो, इसी का नाम है निराकार सच्चिदानंद दर्शन, विशुद्ध चक्र का भेदन होने पर सर्वत्र आकाश रह जाता है। ये बात आपको कहीं पुस्तक में नहीं मिलेगी, आप कोई भी पुस्तक बता लीजिए, क्यों, ये श्री रामकृष्ण की अनुभूति की वाणी है, ये केवल रचनामृत में आपको मिलेगा और कहीं उपदेश में आपको कहीं मिलेगा कि निराकार का दर्शन का मतलब क्या होता है, कोई नहीं समझता है। निराकार माने निराकार का दर्शन, निर्गुण निराकार का दर्शन कब होता है, जो विशुद्ध चक्र में उन्नी शक्ति ऊपर चढ़ते चढ़ते जब विशुद्ध चक्र में आ गई तो कंठ स्थित विशुद्ध चक्र में तब जाकर के निराकार का दर्शन होता है, और उसके बाद आ गया चक्र। उस समय श्री रामकृष्ण कहते जब वहां पर मन आता है तो मानो कांच की अलमारी में जैसे पुस्तकें दिखती है उस प्रकार से वह ईश्वर साक्षात दर्शन हो जाता है, निर्गुण निराकार का दर्शन, परंतु कांच भी करे उसको छू नहीं सकते, दिखता पूरा वो है आज्ञा चक्र। तो पहले विशुद्ध चक्र में क्या है, आकाश आकाश के साथ विलीन हो गया, निर्गुण निराकार, क्योंकि मास्टर मान ने निर्गुण निराकार को पसंद करते थे, पहली बार उन्होंने कहा था मुझे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, ये मिट्टी की पूजा में विश्वास नहीं है, प्रतिमा पूजा में मैं विश्वास नहीं करता, पहली मुलाकात ये कहा था श्री रामकृष्ण ने कहा था ठीक है तुमको विश्वास नहीं है तो तुम मत विश्वास करो, तुम निराकार में विश्वास करो, और जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं उनको उनके विश्वास से रहने दो, क्यों, साकार भी ठीक है निराकार भी ठीक है, मास्टर मान ये कैसे हो सकता है, या साकार ठीक होगा या निराकार ठीक होगा, दोनों कैसे ठीक होगा, तब फिर से उन्होंने दोनों कैसे ठीक होगा, ये
साकार जो पूजा है ये मूर्ति पूजा, ये तो ठीक नहीं। कम से कम जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनको हमको समझा देना पड़ेगा, भाई मूर्ति में ईश्वर नहीं है, मूर्ति ईश्वर नहीं है, मूर्ति में ईश्वर की तुम कल्पना करते हो ठीक है, पर मूर्ति ईश्वर नहीं है। आप ही श्री रामकृष्ण देव बहुत नाराज हो गए, तुम लोग कलकत्ता वाले, कलकत्ता वाले माने ये पढ़े लिखे सब शहर वाले, ये सब ऐसे ही है, खुद का ठिकाने दूसरों को लेक्चर देने चले, तुम क्या समझो, तुमने क्या ईश्वर का दर्शन किया, सबको समझाने चले, क्या कह कहते हैं, यही तुम लोगों की बस मुश्किल है। श्री रामकृष्ण बोले सब मास्टरों से बात कर सकते, मैंने कहा ईश्वर का दर्शन किया, मैं दूसरों को लेक्चर दे रहा हूँ, क्योंकि तुमको मूर्ति पूजा नहीं चाहिए, प्रतिमा पूजा नहीं करनी चाहिए, मैंने क्या उनका दर्शन किया है। श्री रामकृष्ण कहते हैं अच्छा यदि समझाना होगा तो ईश्वर क्या उनको नहीं समझेंगे, तुम कौन समझाने वाले हो। अरे यदि पिताजी को कोई बच्चा पूरा का पूरा उसका नाम नहीं बोल सकता है, बापा ऐसा नहीं बोलता, केवल बाप बोलता है, तो क्या पिताजी को ये नहीं मालूम है कि मुझे पुकार रहा है। यदि कोई इस प्रकार से गलती करता है तो क्या ईश्वर नहीं उसको समझा देंगे कि तुम इस प्रकार से मुझे पुकारो, तुमको क्या पुकारने की, तुमको क्या बताने की क्या आवश्यकता। कहने का मतलब श्री रामकृष्ण देव ये उस समय तो उन्होंने पहली बार उनका अहंकार तो किया, परंतु मास्टर महाशय के मन में बार बार बोलते मुझे निर्गुण निराकार का दर्शन करा दो। उनका अभी भी ब्राह्म समाजी थे ना, उस समय गए जितने पढ़े लिखे थे सब 100% ब्राह्म समाजी में थे, क्यों ये उनकी फैशन थी उस समय के। जो कॉलेज में पढ़ता होगा और फिर भी यदि प्रतिमा से पूजा करता होगा तो लोग इतनी खिल्ली उड़ाते थे वो कभी जा ही नहीं सकता, बहुत उसकी खिल्ली उड़ाते थे। उस हिसाब से हम देखें तो आज तो कम इतनी अच्छी बात है कि कोई भी मंदिर में जाता है तो बाकी लोग उसकी मजा नहीं उड़ाते, ये बात अलग है कि केवल परीक्षा के दिन में सब लोग जाते हैं, बाकी सब जगह कोई कोई मंदिर में कोई युवक मिलते नहीं है, तो जैसे परीक्षा ही है इतना एकदम भक्ति का भू सवार होता है, सब एकदम हनुमान जी के पास वो मंदिर में शिव जी के मंदिर सब जगह भीड़ लग जाती है परीक्षा की, फिर बाद में पूरा साल भर अपना खुश है, तो ये अलग बात है। परंतु कोई यदि मूर्ति पूजा करता है तो लोग क्लीन नहीं हो जाते, उस समय के जमाने में तो ये ऐसी क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस थी और ऐसी ब्राह्मण समाज की इन्फ्लुएंस थी, कोई भी युवक इस प्रकार से सबके सामने मूर्ति पूजा में ऐसा मूर्ति के सामने सिर नहीं नवाता, वो तो बहुत उसे बहुत बुरा माना जाता था। कोई मास्टर मास्टर उसी दल के हैं जिसे बार बार बोलते हैं निर्गुण निराकार, सब ये रामकृष्ण देख यही है निराकार, निराकार का यह स्वरूप जब उसमें कर्ण में स्थित हो जाता है, कहते हैं ये सुनो इसी का नाम निराकार सच्चिदानंद दर्शन, विशुद्ध चक्र का भेदन होने पर सर्वत्र आकाश ही रह जाता है। मास्टर कहते जी हाँ, श्री रामकृष्ण कहते इस माया में जीव जगत के पार हो जाने पर तब कहीं नित्य स्वरूप में पहुंचा जा सकता है, नाक भेद होने पर ही समाधि लगती है, ओंकार साधना करते करते नाक भेद होता है और समाधि लगती है। अदने फल मिष्ठान आदि के द्वारा श्री रामकृष्ण की सेवा की, श्री रामकृष्ण ने कहा यदुमल्य के यहाँ जाना पड़ेगा और इसके बाद यदुमल्य के यहाँ जाएंगे। श्री रामकृष्ण को एकदम आराम नहीं है, कलकत्ता साफ निकले हैं शाम को, अभी पहले यहाँ अभी आया दस दिन के यहाँ, अभी जाएंगे यदुमल्य के यहाँ, ऐसा श्री रामकृष्ण मानो भक्तों को कृपा करने के लिए सामने से जा रहे हैं उनकी कल्याण के लिए। ये श्री रामकृष्ण अद्भुत करुणा अवतार श्री रामकृष्ण देव भक्तों के कल्याण के लिए खुद इतना कष्ट सह करके, न तो उनके पास पैसा है, उनको पैसा मांगना पड़ता है, उनके तो शरीर उनका शरीर अत्यंत कोमल था, इतना कोमल था, इतना कोमल था कि भक्ति के कारण इतनी भक्ति करते 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 इतना शरीर कोमल हो गया था कि एक बार पूरी जो होती पूरी उसको बंगला में लूची बोलते हैं, क्योंकि पूरी उसको बोलते हैं जिसमें गेहूं काटा रहता है, पर लूची में मैदा रहता है, बहुत ही नरम है, ये लूची का लूची को तोड़ने गए तो उनकी उंगली में से खून निकला, अब समझ जाओ कितना उनका वो शरीर कोमल होगा, कोमल लूची को तोड़ने के समय उनको उनकी उंगली से सुनी, इतना कोमल उनका शरीर था, तो पैदल तो चल ही नहीं सकते, इसलिए घोटे कहते थे माँ तूने मेरा शरीर इतना दुर्बल बनाया, ऐसा नरम बनाया कि मैं चैतन्य महाप्रभु को पैदल जा जा करके खोल बजा बजा के सबको इनाम लूट कराते थे और मेरी ऐसी स्थिति है कि मुझे चलते भी नहीं पड़ता है तो घोड़ा गाड़ी में जाते थे,
घोड़ा गाड़ी में जाना, घोड़ा गाड़ी का भाड़ा कौन लेगा? ये मुश्किल 3 रुपए 2 आना, 3 रुपए 4 आना, भारी घोड़ा गाड़ी होता था, कभी कभी 3.5 रुपया लेता। पर ये बलराम बोस जो थे वो बहुत कम में वो देते थे, क्योंकि वो ऐसा ढूंढते थे एकदम जिसका घोड़ा खराब से खराब घोड़ा हो और खराब से खराब गाड़ी हो, ऐसा ढूंढते थे ताकि कम पैसा देने पड़े, बहुत कंजूस थे। उसको लेकर के श्री राम से बहुत मजा भी किया करते थे, अरे भाई बलराम की व्यवस्था है, बलराम ने वो घोड़ा गाड़ी भेजी है, वो बहुत मजाक ही करते थे। घोड़ा तो आगे चलता ही नहीं था, उसको बहुत मारा मारा मारा, तब जाकर के कुछ देर तक गया और फिर बैठ गया। ऐसा करके मुश्किल से गई तो गाड़ी टूट गई, चुटके गिर गई, ऐसी तो गाड़ी घोड़ा ऐसी घोड़ा गाड़ी बोले भेजी इसने बलराम ने मेरे। पर इतना कष्ट सहन करके, भीख मांग करके, घोड़ा गाड़ी का शुल्क कौन देगा, ये सब उनको इस बात का ये सब ठीक करना पड़ता है, कौन गाड़ी, ये सब करने के बावजूद जा रहे हैं भक्तों को कृपा करने के लिए, ये अद्भुत बात। कितनी जगह जा रहे हैं, पहले अदर्शन जी आ गए, अभी जाएंगे वहाँ पर यदु मल्लिक के यहाँ, फिर और जाएंगे, कब पहुँचेंगे रात को 11 बजे दक्षिणेश्वर में। ये मानो श्री रामकृष्ण देव करुणाओं के अवतार, ये उन्होंने बता दिया। तो इसके बाद वो यदु मल्लिक के यहाँ बहुत सुंदर बातचीत होती है, जिसकी चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे, आज यहाँ समाप्त।